देहरादून के नगर निगम परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी सोनिका औचक निरीक्षण करने नगर निगम परिसर पहुंची, जहां औचक निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सोनिका को नए निगम से कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले और इसके साथ ही निगम में कई खामियां भी पाई गई, जिसको लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने निगम कर्मचारियों से सख्त लहजे में कहा कि जो लोग अनुपस्थित थे उन पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही जो कार्य नगर निगम को दिए गए हैं उनको समय पर पूरा किया जाए। इसी क्रम में आपको बता दें कि नगर निगम का कार्यकाल 2 दिसंबर को खत्म हो चुका है, जिसके बाद प्रशासक के तौर पर जिलाधिकारी ही नगर निगम का कामकाज देख रहे हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कुछ लोग एब्सेंट थे, करीबन 10 से 12 लोग एब्सेंट थे वहाँ पे, तो कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और सभी को ये बताया गया है कि समय से आएं और ऑफिस में जो कार्य उन्हें दिए गए हैं उन्हें पूरा करें। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं वहाँ पे, जैसे कि सफाई व्यवस्था हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, जो सरकारी भूमि है उसे कब्जा मुक्त कराने की व्यवस्था हो गई, ये सभी बातों पर डिस्कशन हुआ, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और कार्रवाई की जाएगी।